हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस समय दोपहर के बजाय 12:15 और आज मैं अपनी शॉपिंग हॉल आप लोग के साथ लेके आई हूँ, जो मैंने खरीदा है, क्या क्या किया है, कैसे किया है, तो आप लोग के साथ आज शेयर होगा। 3 दिन से इसी तरीके से जा रहा था कि आज सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता था। तो बट अभी भी आज दोपहर में हुआ, जो कि मेरी वीडियो जाती है सुबह भी थोड़ी 10:30-11 बजे करीब, लेकिन आज लेट जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करें। पहले अगर मेरे चैनल पे प्लीज़ आप लोग न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब यहाँ लिखा रहता है ना, तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक एकदम नहीं कर रहे हैं, डिसलाइक ज़रूर दे रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है, डिसलाइक भी देना बट लाइक भी दिया करिए। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करें, नहीं तो वीडियो का भी लगता होगा, और बहुत छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाह रही हूँ, बहुत बड़ी नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, कैसे किया, होली की तैयारियाँ चलिए किस तरीके से, चलिए दिखाती हूँ। फर्स्ट नंबर से पहले बाबू से स्टार्ट होता है। तो पहले मेरे बाबू का है, ये है टी शर्ट, कैसा लगा ये टी शर्ट है, ये बाबू के लिए है टी शर्ट, हाफ टी शर्ट के, हाफ टी शर्ट ही सही पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाती है गर्मी में, थोड़ा सा फूल बच्चे भी पहनने में प्रॉब्लम होती है, हम ही लोग को प्रॉब्लम हो जाती है पहनने में, तो बच्चे ही हैं। तो हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट, ये है बाबू का मेरी जो शॉपिंग हो गया है। तो ये बाबू का हो गया, और अब चलते हैं बाबू की तरफ। कई कई लोग बोलते हैं बबनी ना, तो मुझे भी याद आ गया कि बाबू का हो गलबा, अब चलो थी बबनी के तरफ। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ बड़ी वाली बबनी, बड़ी वाली बेटी का, तो उसका मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उसका टॉप है, और इसकी डिजाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने इसीलिए ले ली। ये गोल गले में इस तरीके से पट्टे के आकार में है, यहाँ पे इस तरीके से, और ये है अभी टैग लगा हुआ है। तो ये है टॉप, ये है टॉप, और जींस अभी उसका नहीं लिए हैं, बड़ी वाली बेटी का जींस नहीं लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसे अभी मिल नहीं रहा था, और होली के समय कोई भी कपड़े अच्छे इस तरीके से नहीं मिलते, बहुत अजीबों के तरीके से मिलते हैं। तो जैसे होली के समय ना पूरे कपड़े मार्केट में अक्सर लगते हैं, लोग पुराने से लगा देते हैं कि लोग लेने पे मजबूर होंगे, होली का समय है तो लेंगे ही। और यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले मैं टॉप दिखाती हूँ, अब बड़ी वाली बेटी का हो गया, बाबू का हो गया, अब ये है छोटी वाली बबुनी का, जो उसके लिए है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, ये देखिए उसका टॉप है, छोटी वाली बेटी का बैलून टॉप है। और सबसे अच्छी चीज़ें मुझे इसमें क्या लगी मैं दिखा दूँ, ये डोरी है जो आगे से इसे बांध देना है, और फिर यहाँ पे ऐसे कर दे और फिर जाते हैं। इसमें क्या अच्छी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये देखिए, ये भी गले में पट्टे की तरह, एक जैसे हमारे गले में नेकलेस हो जाए उस तरीके से, इधर से देखिए पीछे से ये साइड है, आगे से ये है, और ये बैलून टॉप है, और ये छोटी बेटी के लिए। तो ये मुझे भी काफ़ी अच्छा येलो कलर है, येलो कलर मुझे भी बहुत पसंद आता है, और उसको भी मैं पहनाती हूँ। येलो कलर ऐसा है, मुझे लगता है सभी लोग को करीब करीब अच्छे लगते होंगे, वो ऐसे येलो और कुछ ऐसे कलर होते हैं जो आँखों में बैठ जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इसका वर्क सबसे प्यारा लगा, पार्टी वियर भी है, आप नॉर्मल भी इसे यूज कर सकते हैं, आप नहीं मेरी बेटी यूज कर सकती है, तो इसलिए। और इसमें ये दो ठो, तो ये हो गया छोटी वाली बेटी का, और छोटी का फिर जींस भी यहाँ पे है,
और उसके जींस के साथ ये मिले हैं लटकन झटकन, ये जो होते हैं क्या क्या बेल्ट होते हैं वो मिले हैं जो शेप पहने हैं इस तरीके से, और ये घुंघरू की तरह बजते ही रहे हैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, तो ये हो गया उसका जींस। तो यही सारी शॉपिंग थी। तो चलिए, मेरी शॉपिंग कैसी लगी मैं आपको दिखाई दी, तो प्लीज़ अगर मेरी शॉपिंग थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कौन सा कपड़ा कैसा लगा, कौन सा अच्छा लगा, मेरा चॉइस अच्छी है कि नहीं है, मेरी कैसी पसंद है कैसी नहीं, ये भी आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैंने कैसी खरीदारी की है, अच्छी की है नहीं की है। अभी तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ली, देखती हूँ क्या होता है, लेती हूँ नहीं लेती हूँ क्या करती हूँ। तो ये हो गए शॉपिंग, इतनी ढेर सारी कर रही है। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा भी, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।